हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने जो कुछ टाइम पहले साड़ी से रिलेटेड सोफ़ा कवर स्टिच कर बताया था, तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि दी आप एक बार हमें अच्छे से डिटेल में बताइए कि हम कैसे साड़ी से सोफ़े का कवर बना सकते हैं और एक साड़ी से कितने सोफ़े का कवर हम बना सकते हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो आप लोगों के को शायद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक साड़ी ले रही हूँ पहले जो साड़ियाँ चला करती थी उस टाइप की साड़ियाँ हैं, जिसमें बॉर्डर में कुछ फ्लावर टाइप बना हुआ है और बीच में ऐसे ही प्रिंट है। तो सबसे पहले मैं ये जो बॉर्डर है इसको मैं अलग कर दूँगी कट कर कर। इस बॉर्डर का भी मैं यूज़ करूँगी, पर पहले मैं इस बॉर्डर को अलग कर दूँगी। और जो ये बीच का जो फैब्रिक है, ये जो बॉबी प्रिंट का डिज़ाइन है, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट कर कर अब मैंने इसको साइड में कर दिया है। अब जो ये मेन फैब्रिक है इससे हम कवर कट करेंगे, जिससे हम सोफ़े का हेड का और सोफ़े की शीट का कवर हम कट करेंगे। आप चाहे तो मेज़रमेंट के लिए आप सोफ़े का पुराना कवर ले सकते हो, आप चाहे तो मेज़रमेंट इंच टेप से कर सकते हो, या आप चाहे तो डायरेक्ट जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फैब्रिक रखा है। रखने के बाद बस मैंने चौक से इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैं बस यहाँ अच्छे से मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। साड़ी को बहुत आसान से आप बिल्कुल लाइन से इक्वल कट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा इसका धागा लेना है और उसको खींच लेना है। ये धागा बिल्कुल लाइन से ही खींचेगा, जो इसका ये मतलब पूरी साड़ी में से ये धागा निकल कर आ जाएगा। तो आपको एक लाइन ये क्रिएट कर जाएगा, जो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये इस धागे को खींच लिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक पतली सी एक लाइन ड्रॉ होती चली गई है और इसके ऊपर मैं कट कर मैं ये साड़ी का पार्ट निकाल लूँगी, जिससे हम सोफ़े के हेड का कवर बनाएंगे। अब जो बाकी का जो फैब्रिक बचा था उससे हम बनाएंगे सोफ़े की शीट का कवर। शीट के कवर के लिए आपको यही करना है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि वो पीछे की तरफ सोफ़े में दबेगा। दबाना ज़रूरी है ताकि जो कवर है कोई भी उस पर बैठे तो वो खिसक कर नीचे की तरफ ना आ जाए। तो सेम एज इट इज़ मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया है। फैब्रिक को रखा है मेज़रमेंट के लिए मैंने रख कर और चौक से निशान लगाया और कट लगा कर मैंने दो पार्ट्स कट कर लिए हैं, एक सोफ़े की शीट का, दूसरा सोफ़े के हेड का। अब इन दोनों पार्ट्स कट करने के बाद बस हमें क्या करना है, हमें अब इनके नीचे लाइनिंग लगानी है और जो भी हमें बाकी का प्रोसेस है वो करना है। तो अब मैं पहले हेड का कवर बना रही हूँ, तो इसके नीचे मैंने लाइनिंग यूज़ करी है। मैंने यहाँ पर पिंक कलर की लाइनिंग ली है बिकॉज मेरे पास सेम कलर की अवेलेबल नहीं थी और अभी मार्केट अभी जा नहीं रही हूँ कोविड की वजह से। तो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सेम साइज़ का जो हमारा हेड का कवर फैब्रिक कट किया वैसे ही हमें लाइनिंग कट करनी है। इसको हमें तीन साइड से मैं स्टिच कर लूँगी, एक साइड मैं ओपन रखूँगी। ओपन रखने का रीज़न था कि वहाँ से हम इसको सीधा कर निकाल लेंगे, तीनों साइड से स्टिच करके इसको सीधा करके हम वहाँ से निकाल लेंगे। और जो बाकी के दोनों पार्ट्स होंगे, जो साइड के जो बॉर्डर्स होंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइपिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सोफ़े का कवर होगा वो सुंदर लगेगा। तो इसको बस मैंने तीनों साइड से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं इसको सीधा कर दूँगी। अच्छे से सीधा कर लें, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, बट केयरफुली क्योंकि साड़ी है, कभी जल ना जाए। तो इसके बाद बस हाँ, आपको स्ट्रिप कट कर लेनी है। आप मैच करते हुए कोई भी फैब्रिक ले सकते हो और उससे आप स्ट्रिप कट करें और उसके बाद आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर की स्ट्रिप कट कर ली है और उससे मैं कुछ इस टाइप से फोल्ड करूँगी और मैं पाइपिंग कर लूँगी। ये मैं दो साइड के जो ये साइड वाला पोर्शन है वहाँ पर मैं दोनों साइड पाइपिंग कर लूँगी, दोनों साइड के जो कॉर्नर है जो हमारे सोफ़े के साइड में आएंगे उधर के लिए मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो कुछ इस टाइप से मैं पाइपिंग लगाऊंगी, जिसकी वजह से जो साइड से दिखाई देगा कवर वो सुंदर लगेगा।
आप चाहे तो पूरे सोफ़े के कवर पर पाइपिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे की तरफ है वो तो हमारे सोफ़े के अंदर दब जाएगा और दिखाई नहीं देगा। और ऊपर मेरे जो इसमें फ्लावर थे तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड अच्छे से पाइपिंग कर ली है, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हमारा जो सोफ़े का हेड का कवर है वो रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम सोफ़े के शीट के कवर की ओर। तो ये मैंने मेजरमेंट लेकर आपको कट कर कर पहले ही मैंने रख लिया था। अब जो ये स्टार्टिंग में मैंने जो बॉर्डर कट किया था उसका देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, मेन फैब्रिक को मैंने रख दिया है और उसके ऊपर उल्टा कर कर मैंने ये जो फैब्रिक है, जो फ्लावर वाला फैब्रिक मैंने निकाला था स्टार्टिंग में कट कर कर, उससे हमें फ्रिल डालनी है। आप चाहे तो फ्रिल हाथ से बना सकते हो, चाहे तो मशीन से बना लीजिए। मैं यहाँ पर मशीन से ही फ्रिल बना रही हूँ, बाकी जो हम हाथ से फ्रिल बनाते हैं वो काफ़ी सुंदर बनती है। तो हमें क्या करना है, हमें मेन फैब्रिक को रखना है। तो मेन फैब्रिक को एक बार और देख लीजिए, हमें मेन फैब्रिक को रखना है। जो हमारा शीट का बॉटम का पार्ट होगा उस साइड हमें इसे रखना है, और जो फ्रिल वाला पार्ट है वो आपको उल्टा रखना है, सीधा साइड अंदर की तरफ हो, दोनों जो सीट का है वो आपस में सीधा साइड एक दूसरे की तरफ हो। तो ऐसे हमें रखकर हमें छोटी छोटी फ्रिल डाल लेनी है, जो पूरा हमारा जो जितना भी आप फ्रिल छोटी जिस टाइप से आप डालना चाहिए आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक रखें और छोटी छोटी फ्रिल डाल दे। तो इस टाइप से मैंने कुछ इस टाइप से फ्रिल इसमें डाली है। ऐसे पूरा जो भी शीट का कवर था, जो बॉटम की साइड आएगा, मीन्स जो सोफ़े के आगे की तरफ आएगा, दबेगा उस साइड नहीं, जो फ्रंट की साइड आएगा उस साइड हमें फ्रिल कुछ इस टाइप से डालनी है। तो ये मैंने फ्रिल डालकर उस पर अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब फ्रेंड्स ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हमें बाद में लगेगा। तो फ्रिल डालने के बाद जब ये सीधा हो जाएगा तो ये साइड हमारा फ्रंट में आ जाएगा, जो नीचे की तरफ सोफ़े के नीचे की तरफ होगा उस साइड ये फ्रिल हमारी दिखाई देगी, जो दिखने में यकीनन बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस टाइप से फ्रिल डल जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, फ्रिल तो हमने बना ली है, हमें इसके नीचे लगानी पड़ेगी लाइनिंग, क्योंकि लाइनिंग के बिना, जैसे कि साड़ी का फैब्रिक है तो ये सोफ़े से स्लिप होता ही रहेगा, और लाइनिंग लगाने से जो हमारे फैब्रिक की लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो फ्रिल होगी उन सब फ्रिल को आपको अंदर की तरफ, जैसे हमने स्टिच किया था सेम एज इट इज़ वैसे के वैसे हमें इसको सेट कर लेना है, अंदर की तरफ इस फ्रिल को सारे को कर देना है। तो जब हमने, और अब हमें क्या करना है, जो लाइनिंग हम लगाने जा रहे हैं, लाइनिंग का सीधा पार्ट और फ्रिल वाला पार्ट दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ हो और उल्टे पार्ट दोनों बाहर की तरफ होंगे। तो ये अच्छे से हमने इसके ऊपर जो लाइनिंग कट करी है, सेम साइज़ के हमें लाइनिंग कट करनी है जो हमारा फैब्रिक का पार्ट है, तो उसको कट करके इसको भी हमें क्या करना है, चारों तरफ से सिलकर, बस हमें चारों तरफ से सिल देना है। पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमें क्या करना है, जो ये हमने फ्रिल बनाई है ना, इस फ्रिल को हमें अंदर की तरफ करना है, हमें लाइनिंग के बाहर फ्रिल नहीं छोड़ देनी है, वरना वो हमारी बाहर की तरफ आएगी ही नहीं। हमें फ्रिल को भी अंदर की तरफ रखना है और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने हैं और आपस में पूरे चारों तरफ से हमें इसको स्टिच कर देना है। तो इस टाइप से हमें चारों तरफ से स्टिच कर देना है। बस हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है, क्योंकि यहीं से हम इसको रिवर्स कर कर निकाल कर हम इसको सीधा करेंगे। तो ये मैंने इसको चारों तरफ से सिल दिया है, अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो आप इसको सीधा कर लेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा फ्रिल वाला जो सोफ़े का शीट का कवर है वो बनकर रेडी होगा। नीचे लाइनिंग लगाने से ये थोड़ा मजबूत हो गया है और थोड़ा स्ट्रोंग हो गया है, जो सोफ़े के ऊपर अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, स्लिप नहीं होगा। जो थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ा था उसको हमें कुछ इस टाइप से अंदर करना है और इसको भी हमें सिल देना है। अब हमें सोफ़े का कवर, हमारे सोफ़े के दोनों हेड के शीट का कवर रेडी है। अब हम बनाएंगे कुशन।
कुशन के लिए मैंने 16x16 के पीस कट किया है। इसके नीचे मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है। लाइनिंग हम इसके स्क्योर कर लेंगे, अच्छे से स्टिच कर देंगे चारों तरफ से। अब मैंने फ्रिल बनाई है कुशन के ऊपर, जिससे कुशन हमारा सुंदर लग रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 या 4 इंचेस के करीब कुशन के ऊपर का पार्ट छोड़ दिया है। इसके बाद कुछ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मैंने फ्रिल लगाई है। तो इस टाइप से आपको फ्रिल लगा देनी है और सिल देना है। जब हम इसको इस टाइप से सिलेंगे और सिलने के बाद हमें नीचे की तरफ ऐसे कर देना है, फ्रिल को हमें नीचे की तरफ गिरा देना है और इसके ऊपर आप सिलाई लगा लिए। मैंने फ्रिल को सिल दिया है और अब इसको मैं सीधा नीचे की तरफ कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारा जो कवर है वो दिखेगा बनने के बाद। आप चाहे तो ये जो मैंने फ्रिल बनाई है और जो मैंने सिलाई लगाई है नीचे से, आप चाहे तो एक सिलाई ऊपर लगा दे, इससे आपकी जो फ्रिल है वो और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस कुछ इस टाइप से ये कवर बनेगा फ्रिल वाला, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। आप आगे देखिएगा। अब इसके ऊपर हम पीछे का कवर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक और फैब्रिक लेना है और आपको दोनों तरफ से उनके बॉर्डर को सिल देना है। दोनों जो बॉर्डर होंगे आगे के, जहाँ से हम कवर को डालेंगे उसमें, तो आप दोनों को सिलने के बाद बस इसको चारों तरफ से हम अच्छे से सिल देंगे सीधा पार्ट, और फ्रिल को हमें अंदर की तरफ रखना है। तो चारों तरफ से सिल देंगे और बस हमें इसको सीधा करना है। कुशन कवर की वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी मैंने डाली हुई है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी फ्रिल वाला ये कुशन कवर मैं इसी में आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी सुंदर लगता है बनने के बाद। इसको सीधा कर लेंगे, आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको एक बार इसमें कुशन डालकर दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। है ना दोस्तों, लग रहा है ना ये सुंदर। तो बस देखो कितना एक साड़ी से हमारा कुशन भी बन गया है, कुशन के दो कवर बन गए हैं, जो कि फ्रिल के साथ बहुत ही, और ये फ्लावर वाली साड़ी की वजह से तो रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो फ्रिल भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये जो बॉर्डर जो थे, जो बॉर्डर फ्लावर वाले आए थे, वो भी मैंने इस फैब्रिक में ले लिया है। और ये हमारा कवर रेडी है, बस अब हमें इसको सोफे के ऊपर लगाना है। चलिए आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो अच्छे से सेट कर लीजिएगा दोस्तों। साड़ी से जो सोफ़े का कवर है वो बनाना इतना टफ नहीं है, और रियल में दोस्तों बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। मेरे पास अभी कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं है, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, फ़ोन से ही एडिट करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं जो अगर जो भी मेरी अभी वीडियो क्वालिटी में इशू है, अगर आप लोगों को परेशानी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सकेगा तो आगे ज़रूर कैमरा परचेज करूँगी, लेकिन अभी जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं बना रही हूँ, वो मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और फ्रेंड्स जैसे भी इस टाइप की साड़ी अगर आपके पास रखी है तो प्लीज़ उसे फेंके नहीं। रियल में दोस्तों ये जो बन जाता है कवर, कवर बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे कि ये नॉर्मल सी एक साड़ी थी, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं, तो इस टाइप से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। If you like my video, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.